स्कूटी में मैंने 5 सेटिंग करके इतना सारा पेट्रोल बचा लिया। अब आपके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि स्कूटी में ऐसी 5 सेटिंग कौन सी हुई। मैं ऐसी 5 सेटिंग बताऊंगा, 5 से ज्यादा बताऊंगा, बल्कि उसके अलावा ऐसी चीज बताऊंगा आपको जो काफी सारे लोगों ने यूट्यूब पर गंद फैला रखा है इस चीज को लेकर के एवरेज बढ़ जाती है, तो ये बहुत ज्यादा गलत है। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं जिनसे एवरेज बढ़ती है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। मैं हूं राजवीर सागर, मल्टीब्रांड टू व्हीलर टेक्नीशियन, और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ARB ब्रदर्स। ओवर आरपीएम, यार देखो ओवर आरपीएम बहुत बड़ा फंडा होता है हमारी बाइक की या स्कूटी की एवरेज को सेट करने का। आपके मन में आ रहा होगा मैं स्कूटी की बात करता बाइक पे आ गया, मैं बता देता हूँ, स्कूटी हो या बाइक हो दोनों की एवरेज को सेटिंग करने के लिए दोनों ही सिमिलर सेटिंग होती है। अब गाड़ी स्कूटी के अंदर कार्बोरेटर है या बाइक के अंदर कार्बोरेटर है, कार्बोरेटर की दोनों ही सेटिंग सिमिलर होती है, दोनों ही में एयर स्क्रू होता है। अगर आपकी बाइक BS6 भी है तो BS6 के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, आपको एक यूट्यूब पे मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा कि हाँ आप बता दो। अब एक बात करूं ओवरएस की, ओवर आरपीएम किस वजह से होते हैं। मान के चलो मेरे पास एक पल्सर बाइक है और मैं गाड़ी को स्टार्ट कर रहा हूं, मेरी गाड़ी जो चल रही है स्टार्ट हो रही है वो हो रही है मॉर्निंग में। अब मैंने स्टार्ट करी, मेरी गाड़ी के आरपीएम जो है वो 1200 के आसपास है और जब वो गर्म हुई तो वो 1600 2000 3000 पहुंच गए, तो ये बहुत ही ज्यादा गलत है। इस सिचुएशन में आप अपनी गाड़ी की सेटिंग करो टैपेट की, चाहे वो स्कूटी हो चाहे वो बाइक हो। टैपेट की सेटिंग करने से होगा क्या, आपकी गाड़ी के टैपेट सेट हो जाएंगे, वॉल्व की सेटिंग जब अच्छी हो जाती है तो गाड़ी के ओवर आरपीएम जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। ओवर आरपीएम इसलिए होते हैं तो हम गाड़ी के टैपेट जब सेट करते समय हम गाड़ी की ट्यूनिंग को सेट करते हैं तो ट्यूनिंग सेट नहीं हो पाती, इसी वजह से हमें आरपीएम सेट करने पड़ते हैं, आरपीएम बढ़ाने पड़ते हैं ताकि हमारी गाड़ी लो आरपीएम पे गाड़ी बंद ना हो। और लो आरपीएम में बंद क्यों होती है टैपेट टाइट होने से, क्योंकि जब हमारी गाड़ी के टैपेट टाइट होते हैं यानी कि वॉल्व जो होते हैं गाड़ी के अंदर, इसके अंदर जो वॉल्व होते हैं वो ज़्यादा खुल जाते हैं और ज़्यादा खुलने से हमारी गाड़ी में जो कंप्रेसर रेशो बनता है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और जिसकी वजह से हमारी गाड़ी एवरेज के लेकर दिक्कत आने लगती है, मतलब ओवर एज को लेकर दिक्कत आने लगती है। अगर हम पेट्रोल नहीं बचा पा रहे हैं ओवर आरपीएम की सेटिंग करने के बाद भी हमारी गाड़ी की माइलेज की प्रॉब्लम आ रही है तो समझ जाओ आपकी गाड़ी की चौक में दिक्कत आ रही है। मान लो आपने ओवर आरपीएम को सही करने के लिए आपने देखा टैपेट सेट किए, आपने कार्बोरेटर सेट किया, उसके बाद भी आपकी गाड़ी सेट नहीं हो। मैं बता देता हूँ, अगर आपके पास स्कूटी बाइक है, स्कूटी या बाइक है कोई भी हो, स्कूटी है तो आपकी गाड़ी की जो चौक केबल होती है, यहाँ जो चौक केबल दी होती है उस चौक केबल को चेक करना है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरी जो पर्सनली एक्सेस स्कूटी है उस एक्सेस स्कूटी के अंदर चौक की केबल में दिक्कत आने लग गई थी। अब चौक केबल में जब दिक्कत आ रही थी मैं बहुत परेशान हो गया था, यार मैंने कहा यार एवरेज क्यों नहीं दे रही गाड़ी, ये ब्लैक स्मोक क्यों आ रहा है, काला धुआं आने लग गया। जब गाड़ी की जो चौक खिंची होगी तो ऑटोमेटिकली हमारी गाड़ी का पेट्रोल बहुत ज्यादा ऐसे करके पिएगी, ऐसे करके गाड़ी पिएगी और ये बहुत ही ज्यादा गलत हो जाता है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा मैं ये क्या कर रहा हूँ, देखो देख रहे हो ये क्या है, ये है पानी। अगर आपकी बाइक के टैंक में या स्कूटी के टैंक में पानी भर गया होगा, अब आपको मन में डाउट आ रहा होगा टैंक में पानी कैसे भरेगा, मैं बता देता हूँ। जब हम किसी पेट्रोल पंप में जाते हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, तो अगर उस पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया और पेट्रोल टैंक खाली होने वाला है उसका, तो भी हमारी बाइक में स्कूटी में पेट्रोल के अंदर पानी के पार्टिकल्स आ जाते हैं, क्योंकि पेट्रोल बहुत ठंडा होता है और ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती है। और मैंने ऐसा अक्सर देखा, आप जैसे कि इस बाइक के अंदर पेट्रोल में पानी भरा हुआ है, ये भी मेरे पास एक बाइक आई थी सर्विस के लिए और इस बाइक में कंप्लेंट थी कि गाड़ी ओवररेस हो रही है, पल्सर गाड़ी है। अब इस ओवररेस की वजह से हम इसके पेट्रोल टैंक को क्लीन कर रहे हैं क्योंकि इसमें पानी भरा हुआ है, पानी को क्लीन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब आपके मन में आ रहा होगा डाउट कि पेट्रोल से पानी को अलग किया जा सकता है या नहीं, मैं बता देता हूँ। अगर आपकी गाड़ी के पेट्रोल टैंक में पानी चले गया है और पेट्रोल की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो आप एक तरह से अपनी गाड़ी के पेट्रोल को थोड़ा बहुत निकाल सकते हो पेट्रोल पंप जाने लायक। और अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल कम है और आपकी गाड़ी में पानी भी है, तो आपको मैं सलाह दूंगा कि आप उस बाइक को पेट्रोल को उसको वेस्ट कर दो, हटा दो और दूसरा नया पेट्रोल अपनी गाड़ी में डालो। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी गाड़ी में होगा क्या, गाड़ी मिसिंग करेगी, झटके मारेगी और हमारी गाड़ी में ट्यूनिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व हम नहीं कर पाएंगे, चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लें। अगर हम गाड़ी की ट्यूनिंग को किसी भी हालत में सही करना चाहते हैं तो हमारी बाइक में पेट्रोल की सप्लाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। पिकअप, देखो यार आपने अपनी बाइक की एवरेज को सेट करने के लिए बहुत सारे तामझाम निपटा लिए हैं, बहुत सारी सेटिंग कर ली है, पेट्रोल का पानी भी निकाल लिया है और काफ़ी सारी चैट सेटिंग कर ली है, टैपेट सेट कर लिए हैं और कार्बोरेटर साफ कर दिया, हर चीज़ कर दी है, बट आपने अपनी बाइक में इंजन के अंदर क्लच प्लेटों को देखते हो, मतलब ख़राब है अगर, तो आपने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया है। अगर आपकी गाड़ी के स्कूटी के क्लच में दिक्कत होगी, क्लच शू में दिक्कत होगी, रोलर में दिक्कत होगी, बेल्ट में दिक्कत होगी, या फिर बाइक में क्लच प्लेटों में वीकनेस होगी, क्लच प्लेटें खराब होंगी, तो आपकी गाड़ी की सेटिंग अच्छी नहीं हो सकती। सेटिंग को सही तरीके से सेट करने के लिए आपकी बाइक को एकदम हेल्दी होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इंजन की हेल्थ
सिर्फ और सिर्फ क्लच प्लेटों पर ही डिपेंड होती है, और अगर क्लच प्लेट खराब होती है तो हम गाड़ी में होता क्या, आपके मन में आ रहा होगा यार ये क्लच प्लेटों की वजह से एवरेज का क्या लेना देना है, बता देता हूँ। एवरेज को सेट हम कर लेते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, एवरेज हमारे मन में होता है कि एवरेज सेट है, पर जब हम गाड़ी को भगाने की कोशिश करते हैं तो हमारी गाड़ी 40 की स्पीड में जब भागती है तो वो एक तरीके से जो पावर लेती है वो 60 की स्पीड वाला पावर लेती है। मतलब ये कि अगर आपकी गाड़ी की क्लच प्लेटें वीक हो गई हैं और आप अपनी गाड़ी में भगाने की कोशिश कर रहे हो तो आपकी गाड़ी भागेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर जो गाड़ी में एक पावर जाएगी इंजन के अंदर वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में जाएगी, लोड बहुत ज्यादा लगेगा और ओवर रेस भी आपकी गाड़ी में हल्का फुल्का आएगी और आपकी गाड़ी में वाइब्रेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में सारा का सारा इफेक्ट हमारा पेट्रोल पे आएगा और पेट्रोल ज्यादा कंज्यूम होगा, ज्यादा ही यूज होगा, तो आपकी गाड़ी में एवरेज की दिक्कत आएगी। स्कूटी अगर आपके पास सुजुकी एक्सेस है या हीरो की एज है या मेस्ट्रो है या कोई सी भी स्कूटी है, सिर्फ पर्टिकुलर स्कूटी की बात कर रहा हूं मैं, तो कभी भी आप अपनी गाड़ी के सर्विस सेंटर पर सर्विस करा रहे हो तो एक बात मैं आपको ध्यान से बता देता हूं, अपनी बाइक के क्लच कवर को खोल के क्लीन जरूर कराएं। काफी सारे मैकेनिक होते हैं जो क्लच कवर को नहीं खोलते हैं, अगर आपको लगता है कि क्लच कवर खोलने के बंदा अलग से पैसे चार्ज कर रहा है तो उसे दे दें, मना ना करें, बट अपनी गाड़ी के क्लच कवर को खोल के जरूर क्लीन कराएं, क्योंकि स्कूटी के अंदर क्या होता है, हमारी गाड़ी जब रोड पर चलती है तो स्कूटी के अंदर डस्ट पार्टिकल इतने ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं जिनकी वजह से हैवी लोड आने लगता है और हमारी गाड़ी हीट होने लगती है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी में एवरेज पे बहुत ज्यादा फर्क आता है। तो इसके लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है क्लच को खुलवा के पूरा प्रॉपर क्लीन करवाना, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बाइक चाहे पुरानी हो चाहे नई हो चाहे सालों पुरानी हो, बाइक की एवरेज को सेट करना बहुत ही ज्यादा इजी होता है। स्कूटी चाहे पुरानी हो चाहे नई हो चाहे कोई भी, मतलब कोई भी कितनी पुरानी हो गाड़ी हो, मोटरसाइकिल या स्कूटी एक मशीन होता है, मशीन पार्ट होता है, मशीन कभी पुरानी नहीं होती है, मशीन हमेशा नहीं रहती है अगर मशीन का रखरखाव बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपके पास एक पुरानी या फिर एक आपके पास एक वाहन है जो बहुत ज़्यादा पुराना हो या बहुत ज़्यादा नया हो, मैटर नहीं करता, अगर आप उसकी केयर कर रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है एक एवरेज के लिए। अब आपके मन में ये आ रहा होगा केयर क्या होती है, देखो यार हमारी बाइक की हम सर्विस टाइम से कराते हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है, बट सर्विस के दौरान हमारी गाड़ी के अंदर सर्विस, जैसे हमने आज सर्विस करा ली गाड़ी की और हमारा सर्विस का जो नेक्स्ट टाइम का आएगा वो आएगा 2500 किलोमीटर का या 2000 किलोमीटर का या 2.5 महीने का या 3 महीने का, जो भी होता है आपके हिसाब से, आपके कंफर्टेबल के हिसाब से मैं आपको बता दूं। अगर आप ऐसा करते हो तो ये तो बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है, बट आज आपने सर्विस करा ली और आपने 15 से 20 दिन तक गाड़ी चलाई, आपकी गाड़ी चल गई टोटल 1000 किलोमीटर, अब आपके मन में ये आ रहा होगा मेरी गाड़ी 1000 किलोमीटर चली तो इसका मतलब 1500 चलेगी और सर्विस पे जाऊंगा मैं लेके, मैं आपको बता दूं अगर आपकी गाड़ी 1000 किलोमीटर चली है तो भी आपको एक बार मैकेनिक को विजिट कराना पड़ता है अपनी बाइक को लेकर, रीजन या स्कूटी हो या बाइक, क्योंकि आपकी मोटरसाइकिल में या स्कूटी में कुछ ब्रेक्स वाले पार्ट होते हैं, कुछ ऐसे एसेसरीज पार्ट होते हैं जो लूज हो जाते हैं जिनकी वजह से भी एवरेज पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है, एवरेज कहीं ना कहीं उस पर लोड पड़ता है और कम हो जाती है हमारी गाड़ी की एवरेज। ये चीज़ आपको पता होनी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है कि हमारी गाड़ी में 1000 किलोमीटर पे हमें क्या क्या चीज़ें करानी होती हैं। अगर एक बाइक है तो हमें चेन का ल्यूब कराना होता है, ब्रेक को सेट कराना होता है, डिस्क ब्रेक है तो गाड़ी की आगे का व्हील घुमा के देखना होता है कहीं व्हील जाम तो नहीं हो रहा, कहीं हार्ड तो नहीं हो रहा, क्योंकि जब गाड़ी रोड पर चलती है तो हमारी गाड़ी में मिट्टी जाती है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल जाते हैं जिसकी वजह से हमारी गाड़ी व्हील जाम होने लग जाता है और जाम होने से हीट होती है गाड़ी, और जब ज़्यादा हीट होगी तो कॉमन सी बात है आपकी गाड़ी की एवरेज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, चाहे वो बाइक हो चाहे वो स्कूटी हो चाहे वो कोई सी भी मतलब टू व्हीलर हो, ठीक है। ऑथोराइज सर्विस सेंटर हो या प्राइवेट सर्विस सेंटर हो, आपके मन में बहुत ज़्यादा डाउट आते हैं कि यार मैं अपनी बाइक को सर्विस कराने के लिए ऑथोराइज ले जाऊँ या फिर प्राइवेट ले जाऊँ, मेरी गाड़ी की एवरेज नहीं आ रही मैं ऑथोराइज ले जाऊँ या प्राइवेट ले जाऊँ, मेरी गाड़ी में ब्रेक की प्रॉब्लम है मैं ऑथोराइज ले जाऊँ या प्राइवेट ले जाऊँ, मेरी गाड़ी में कोई ना कोई सा ऐसा इशू आ रहा है जिसकी वजह से मुझे सर्विस सेंटर विजिट करना है, मैं ऑथोराइज ले जाऊँ या फिर प्राइवेट सर्विस सेंटर जाओ, मैं आपको बता दूं, देखो यार एक ऑथोराइज सर्विस सेंटर में जो मैकेनिक जॉब करता है, जो भी मैकेनिक है, वो एंड ऑफ द मोमेंट एक प्राइवेट सर्विस सेंटर में सर्विस करने या रिपेयर करने या जॉब करने जरूर जाता है। अब चाहे वो अपनी दुकान खोले चाहे वो किसी प्राइवेट सर्विस सेंटर में अच्छी सैलरी के लिए जाए, क्योंकि एक ऑथोराइज सर्विस सेंटर में जब मैकेनिक जॉब करता है तो उसको एक लिमिटेड सैलरी दी जाती है और उसको एक तरीके से लॉकिंग पीरियड में रख दिया जाता है, मतलब एक तरीके से लॉक हो जाता है, वो कुछ नहीं कर सकता बेचारा, 9 से 8 की जॉब होती है, 9 से 6 की जॉब होती है। पर एक प्राइवेट सर्विस सेंटर में अगर जाते हो तो वहाँ खुली आजादी से बंदा काम करता है, बस वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक ऑथोराइज सर्विस सेंटर वाले रूल्स रेगुलेशन नहीं होते हैं, और दूसरी बात प्राइवेट सर्विस सेंटर वाला बंदा आपको अच्छे से ट्रीट कर सकता है, अच्छे से आपको समझ सकता है, और ऑथोराइज सर्विस सेंटर में भी ऐसा हो सकता है, पर वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से किस कौन से मैकेनिक से मिल रहे हो। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ के लिए करता हूँ, जैसे मान लो मेरा एक सर्विस सेंटर है, ठीक है, अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है और वो मेरे से बोलता है मेरी गाड़ी की मुझे एवरेज सेट करवानी है, तो ये मेरा खुद का सर्विस सेंटर है, ये मेरा खुद का सर्विस सेंटर है, ये मैं मालिक हूँ यहाँ का, मैं ये नहीं बोल रहा मैं मालिक हूँ, बहुत बड़ा एटीट्यूड नहीं, मेरा सर्विस सेंटर है यानी कि मैं हूँ और मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कस्टमर से
अपने आप में कम्युनिकेट करना और उसकी प्रॉब्लम को समझना, ये मैं हूँ। अब बांध के चलो यही है कि अथॉराइज सर्विस सेंटर है, मालिक का पता नहीं है, पर आपकी गाड़ी का जो सर्विस सेंटर में जो भी आपका जॉब कार्ड बना रहा है वो बंदा अलग होगा, जो रिपेयर कर रहा है वो बंदा अलग होगा, और जो फीडबैक दे रहा है वो बंदा अलग होगा, जो ट्राई ले रहा है वो बंदा अलग होगा। तो ये सारे पॉइंट्स जब घूमती है गाड़ी तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपकी गाड़ी की जो एक कम्युनिकेशन होती है आपकी गाड़ी से मैकेनिक की, वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इधर उधर रह जाती होगी। बाकी डिपेंड करता है आपके पास कौन सा बेस्ट सर्विस सेंटर है। मैं आपको सलाह दूंगा, आप अपने मन के संतुष्टि को लेकर उस सर्विस सेंटर पर जाओ जहां पर आपको पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन दी जा रही है, वैल्यू दी जा रही है, आपकी गाड़ी को वैल्यू दी जा रही है। ऐसा ना हो आपने अपनी बाइक सर्विस सेंटर पर दे दी, प्राइवेट ही सही, प्राइवेट में 13-14 साल का लौंडा आपकी गाड़ी को सेटिंग कर रहा है वो ऐसी की तैसी मार देगा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, प्राइवेट सर्विस सेंटर ऐसा होना चाहिए जहां पर एक रूल हो, रेगुलेशन हो। ऐसा ना हो बीच रोड पे काम हो रहा है, नीचे धूल मिट्टी में दुनिया भर का आपका सामान जो है खोल कर रखा जा रहा है, वो बहुत ज्यादा गलत होता है। क्योंकि काफी सारे लोग जो प्लग खोलते हैं, प्लग खोल के जमीन पर पटक देते हैं, वहां पर धूल मिट्टी किया और फिट कर दिया, तो वो भी बहुत ज्यादा गलत होता है। तो ऐसा आपको नहीं करवाना है, चाहे वो सर्विस सेंटर प्राइवेट हो चाहे वो सर्विस सेंटर अथॉराइज हो, दोनों में ही आपको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, वहीं आपको जाना है, तभी जाके आपकी गाड़ी की प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। खासकर एवरेज की, एवरेज को लेकर तो बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, खासकर मैकेनिक को, क्योंकि मैकेनिक एक सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल स्क्रू को ठीक करने से एवरेज सेट नहीं होती है, बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ती हैं। जैसे एवरेज के लिए एयर फिल्टर हो गया, टैपेट हो गए, दोनों व्हील हो गए, क्लच की प्लेटें हो गई, और उसके अलावा गाड़ी के इंजन का कंप्रेसर इशू हो गया, उसके अलावा आपकी गाड़ी के कार्बोरेटर की सेटिंग हो गई, केबल्स की सेटिंग होगी, बॉडी की सेटिंग होगी, इंजन की सेटिंग होगी, हर एक छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना पड़ता है, जब जाके एंड में एक रिजल्ट आता है कि हाँ आपकी गाड़ी की अंदर पेट्रोल की कंजप्शन कम हो गई है और आपकी गाड़ी की एवरेज बहुत अच्छी हो गई है। तो भाई फाइनली इस वीडियो को करते हैं एंड, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना। काफी सारे मतलब हम फॉल्ट जो होते हैं वो क्लियर करते हैं अपनी वर्कशॉप के अंदर, हमारी वर्कशॉप है ये सामने, इस वर्कशॉप का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, अगर आप आना चाहते हो तो आ सकते हो, नो प्रॉब्लम, अपॉइंटमेंट लेके आपको आना पड़ेगा। ट्यूसडे को हमारी वर्कशॉप बंद रहती है, ट्यूसडे को मत आना। बाकी एक बात लास्ट में कहना चाहूंगा आपसे कि अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है आपके माइंड पे, आपकी स्किल्स पर, आपकी नॉलेज पर, आपकी इन्फॉर्मेशन पर, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भले ही आपको इससे हेल्प ना मिले पर हमें इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्री है, फ्री जब तक है तो कर दो भाई, जब पेड होगा तो मत करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।